नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमिक्स लाइव पे एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बिकॉज आज हम टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को कल दे दिया था और आप लोगों ने तो पहले ही शुरुआत कर दी है यार, है ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सिविल के यार सारे सब्जेक्ट यार पढ़ लो, ठीक है, ताकि आगे आने वाले सालों में यार मेरा लोड थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यार। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त बहुत मस्त। चलो बढ़िया यार। बाकी यार ग्रुप पे कोई एक लोग ग्रुप पे मैसेज कर दो क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज मिसकम्युनिकेशन हो गया यार, बट ठीक है, चलिए कोई नहीं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टॉर्जन चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं आज। ठीक है, चलो कल जो पढ़ा था एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए बहुत ध्यान से चलो बढ़िया है। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक, हमने टॉर्जन पढ़ा था, पहले हमने शाफ्ट देखा। शाफ्ट क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिकल मेंबर होता है जो क्या करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है, फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर। टॉर्जन और आपके टॉर्जन और बेंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? बेंडिंग में एक ही लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में मोमेंट्स आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट। बट टॉर्जन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन में मोमेंट आता है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टॉर्क जो हम अप्लाई करते हैं, मोमेंट इज नथिंग बट टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो हम अप्लाई करते हैं वो हम राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या अजम्पशन हमने लिए थे, मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, इलास्टिक लिमिट तक है, और उसका जो डिफ्लेक्शन है विद इन आपका क्या है, ठीक है, मतलब जो भी बेंडिंग है विदाउट द सेल्फ वेट वो हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, चेंज नहीं होगी। क्रॉस सेक्शन की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन आपका क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द शाफ्ट आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, लेंथ आपकी सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, चलो बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए यार, बहुत आज सारे स्टूडेंट कहाँ रह गए। चलो देखें क्या हो रहा है ये ग्रुप पे। लिंक यार, अच्छा ठीक है, लिंक मैसेज से नहीं आई क्या आप लोगों को? चलिए मैसेज आ गया होगा यार आप लोग को। ठीक है, बाकी ऐप में भी अपडेट हो गया है। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। नेक्स्ट आप लोग देखो, हमने क्या देखा था, ये एक शाफ्ट देखा था, फिक्स्ड है और एक एंड से फ्री है। जब मैंने इस पर टॉर्क अप्लाई किया, मोमेंट अप्लाई किया, तो ये डिफॉर्मेशन हुआ। अलोंग द लेंथ जो होता है वो आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। और एक क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, थीटा होता है। करेक्ट, एक क्रॉस सेक्शन में थीटा होता है और अलोंग द लेंथ क्या होता है, गामा होता है, शियर स्ट्रेन होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, गामा इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। एक ही तो ये इक्वेशन आज काम आएगी हमारे, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, आर गामा इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। और मैंने कल वेरिएशन भी बताया था, ठीक है, मैंने कल वेरिएशन भी बताया था, क्या वेरिएशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अलोंग द लेंथ क्या होता है, थीटा आपका जो होता है, अलोंग द लेंथ थीटा आपका इंक्रीज होता रहता है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और अलोंग द रेडियस क्या होता है, थीटा अनचेंज होता है, थीटा बाई एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और गामा क्या होता है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ आपका क्या होता है, सेम रहता है, और अलोंग द रेडियस आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वाइस वर्सा होगा ये एक चीज, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को।
चलिए ये हमने कल देख लिया था, तो ये हमने कल इंपॉर्टेंट समरी लिख ली थी। ये समरी क्या क्या है रिवाइज कर लीजिए फटाफट एक बार। थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है एंड गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब देखो एक चीज आप लोग को बता देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को फनी लगेगा ये चीज सुन के। जब मैंने अपनी तैयारी करी थी तो मैंने इसे कैसे याद किया था, देखो थीटा एल गामा आर मतलब इसे याद करना था, मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। थीटा एल गामा आर इसको मैंने ऐसे याद किया था, ठंड लग रही है यार, ठीक है, ठंड लग रही है यार। देखो कोल्ड होता है ना, ठंड लगती है, ठीक है, तो थीटा का ठंड लग रही है, ठीक है, ठंड लग रही है, लग रही का एल और यार का वाई, ए आर यार होता है कि नहीं होता है, तो गामा आर, समझ में आ गया, ठंड लग रही है यार, ऐसे याद किया था मैंने। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जब आप याद करते हो तो ये चीजें याद हो जाती हैं। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर हो गई। ठीक है ना, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये दो चीजें देख ली हैं, ठीक है, हमने क्या क्या चीजें देख ली, गामा वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू गामा टू अपॉन आर टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थीटा वन बाई एल वन इज इक्वल टू थीटा टू बाई एल टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक तो हमने ये चीज भी देख ली है, ठीक है ना। और देखो चलो ठीक है, और हमने क्या देखा था, गामा इज इक्वल टू, गामा इज इक्वल टू, ठीक है, गामा इज इक्वल टू हमने और क्या देखा हुआ है, पहली चीज देखिए बहुत ध्यान से, गामा इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, आर थीटा बाई एल, एक ये चीज भी हम देख चुके हैं। तो अब तक टॉर्जन वाले इक्वेशन में, टॉर्जन वाले चैप्टर में हम इतना देख चुके हैं, क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, आगे की चीज देखते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने एक अजम्पशन माना था, हमने क्या अजम्पशन माना था, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है ना, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज व्हाट वी हैव द लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, हमने ये अजम्पशन माना था कि नहीं माना था, द लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हमने अजम्पशन माना था, the loading is within elastic limit, within elastic limit, the loading is within elastic limit, and if the loading is within elastic limit, देखिए बहुत ध्यान से, shear stress is directly proportional to shear strain, yes or no, if loading is within elastic limit, shear stress is directly proportional to shear strain, and if you remove the proportionality sign, you'll get shear modulus, you'll get shear modulus, ठीक है ना, एंड वी नो दैट गामा इज नथिंग बट, गामा इज नथिंग बट आर थीटा बाई एल, आर थीटा बाई एल, ये है कि नहीं, विल पुट दिस वैल्यू ऑफ गामा इन दिस इन द अबव, तो शियर स्ट्रेस एट अ रेडियस आर, ये क्या चीज है, ये क्या है, शियर स्ट्रेन एट अ रेडियस आर, ये क्या चीज है, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एट रेडियस आर, एट अ रेडियस आर, शियर स्ट्रेन एट अ रेडियस आर, तो ये क्या, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू आर थीटा बाई एल, G into R theta by L, and ये tau क्या represent कर रहा है, shear stress at a radius R, ये क्या बता रहा है, shear stress in at radius R, at radius R, at radius R, ये represent कर रहा है कि नहीं कर रहा है, yes or no, अब बहुत ध्यान से देखिए, shear stress at radius R, at any radius R, what is the shear stress, yes or no, ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, शियर मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज कांस्टेंट, देखिए जी इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, थीटा बाई एल इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, अभी देखा था ना, ठंड लग रही है, ठंड, टी एच ए एन डी, ठंड लग रही है ना, ठीक है, तो देखिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो थीटा बाई एल इज कांस्टेंट, इफ देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, इफ दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट
इट मीन्स दैट शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एज द रेडियस इंक्रीजेस, एज द रेडियस इंक्रीजेस शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई? तो शीयर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ आर, शीयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस एज द रेडियस इंक्रीजेस, एंड व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इंक्रीजेस? लीनियरली, लीनियरली, बिकॉज आप देखो ना, ये पावर वन है, यहां भी पावर वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली विद द रेडियस, ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, इसको मैं लिख सकता हूं शीयर स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली विद रेडियस आर, शीयर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद रेडियस आर, वेरीज लीनियरली ठीक है, विद रेडियस आर। ये बात समझ में आ गई? एक और चीज समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए देखिए, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? टू दिस इक्वेशन, हाउ वी राइट दिस इक्वेशन? अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो ये क्या चीज है? कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज दिस? देखो बहुत ध्यान से, टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये एक हमने एक टॉर्जनल इक्वेशन बना दी, ये एक हमने क्या बना दी? टॉर्जनल इक्वेशन बना दी। सो दिस इज अ टॉर्जनल इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है? यहां पर क्या चीज है? दिस टाउ रिप्रेजेंट शीयर स्ट्रेस एट अ रेडियस आर, शीयर स्ट्रेस एट रेडियस आर, ठीक है, एट रेडियस आर। दिस जी रिप्रेजेंट, ठीक है, दिस जी रिप्रेजेंट व्हाट? शीयर मॉडुलस ऑफ शाफ्ट मटीरियल, शाफ्ट मटीरियल। एंड व्हाट इज थीटा बाई एल? थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट लेंथ एल। सबको समझ में आ गया? एवरीवन, सबको समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे। चलो बढ़िया, विल सी दी अनदर एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, विल सी अनदर पोर्शन ऑफ दी टॉर्जनल इक्वेशन। देखते हैं, नहीं, नेक्स्ट टॉर्जनल इक्वेशन देखते हैं क्या चीज बन सकती है। पहले मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, यार कहां से आएगा शेप? ये सही है, देखिए बहुत ध्यान से। नाउ विल सी द टॉर्जनल इक्वेशन, देखो बहुत ध्यान से, ये क्या है? दिस इज, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, इमेजिन कर सकते हैं? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है? अब देखो बहुत ध्यान से, मेरे पास एक सर्कुलर, एक मिनट रुकिएगा, मैं एक शाफ्ट लेके आता हूं फिर आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। अरे मून नहीं है भाई ये, एक मिनट रुकना। ऐसा कोई डब्बा है क्या?
ये लो गाइस, आप लोग के लिए एक मजेदार एग्जांपल लेके आया हूं मैं। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो किस साइड को वेस्ट करूं। हाँ, इस साइड को वेस्ट करता हूं, देखना बहुत ध्यान से। जब मैं कपल लगा रहा हूं क्रॉस सेक्शन में, व्हेन अ कपल इज एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन दैट विल प्रोड्यूस अ शियर ऑन द क्रॉस सेक्शन, दैट विल प्रोड्यूस अ शियर ऑन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आई आप लोग को? देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में, अगर मैं क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में मोमेंट लगा रहा हूं, दैट इज टॉर्क लगा रहा हूं, दैट विल प्रोड्यूस अ शियर ऑन दी, शियर ऑन दी क्रॉस सेक्शन। यस और नो? मतलब क्या हो गया, जब भी मैं टॉर्क अप्लाई करता हूं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में क्या आता है, शियर आता है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? क्रॉस सेक्शन में शियर आएगा। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, देखो मार्कर से बनाता हूं मैं। ये दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? अब देखो बहुत ध्यान से, क्रॉस सेक्शन में क्या आ रहा है आपका, क्रॉस सेक्शन में आपका शियर आ रहा है। बात समझ में आया? क्रॉस सेक्शन में जब टॉर्क अप्लाई करेंगे, दिस क्रॉस सेक्शन विल बी रेजिस्टेड एक्टिंग टू द शियर। अब देखो, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे शियर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ये आपका मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन बनाया है, देखिए बहुत ध्यान से, ये क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द रेडियस आर, मैक्सिमम शियर इज एट द आउटर फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स, दीज फाइबर्स, अब देखो शियर की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इंक्रीज हो रही है। सो जो ये आउटर फाइबर हैं, दे विल एक्टेड अपॉन द हाइएस्ट शियर। इन पे क्या होगा, सबसे ज्यादा शियर आएगा, इन पे, इन पे सबसे ज्यादा शियर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए मुझे। दैट विल एक्टेड अपॉन द हाइएस्ट शियर, दिस द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, एज द, देखो यहां पर क्या होता है, हर फाइबर में अलग अलग शियर है, हर फाइबर में अलग अलग शियर है। दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द कैपिटल आर, रेडियस आर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक यूनिट एलिमेंट लूंगा, ठीक है, यूनिट एलिमेंट लेता हूं मैं यहां पर। चलो लेट अस सपोज आई विल टेक अ यूनिट एलिमेंट, डी आर एलिमेंट ले लेता हूं मैं, डी आर एलिमेंट, ये डी आर एलिमेंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखो सेंटर में नहीं है, बट इमेजिन कर लेना यार, चलो मैं इसे सेंटर में ही बना देता हूं यार, वरना प्रॉब्लम होगी, सेंटर में बना देता हूं, रुको रुको रुको, सेंटर पहले प्लॉट करता हूं। ठीक है, ये लेट अस सपोज सेंटर है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपका क्या हो गया, ये डी आर एलिमेंट हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो ये एलिमेंट है डी आर। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं कि रेडियस के, रेडियस अलोंग द रेडियस कैसे शियर स्ट्रेस वेरी कर रहा है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, सो ये जो आपका एलिमेंट है, इसके जो रेडियस है, ये लेट अस सपोज स्मॉल आर रेडियस पे है, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, डी आर विड्थ है, लेट अस सपोज इसकी डी आर विड्थ है, एंड द टोटल रेडियस ऑफ द शाफ्ट क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल आर, टोटल रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज कैपिटल आर। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, दिस सब्जेक्टेड टू टॉर्क, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएंगे, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएगा टाउ, दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल शियर स्ट्रेस टाउ। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, दिस टाउ इज नथिंग बट जी आर थीटा बाई एल, ये अभी हम निकाल चुके हैं, टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल, ये यहां पर निकाला है, देखिए टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल, ये निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके? ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, तो टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल का मतलब क्या हो गया, एट अ रेडियस आर, एट अ रेडियस आर, ये जो फाइबर्स हैं इन पे कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये इक्वेशन बताती है।
दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेस ऑन द फाइबर विच आर एट अ रेडियस स्मॉल आर. ये बात समझ में आ गई. सो इट कैन बी रिटन एज स्मॉल आर जी थीटा बाई एल. इट कैन बी रिटन एज दिस एंड वी नो जी इज अ कॉन्स्टेंट, थीटा बाई एल इज अ कॉन्स्टेंट. लिख सकते हैं. अब देखिए आगे के एनालिसिस देखते हैं. देखो बहुत बढ़िया चीज मैं आप लोग को डिराइव करके बता रहा हूं. मैं चाहता तो डायरेक्टली टॉर्सनल इक्वेशन लिखा देता. बहुत बढ़िया चीज आप लोग को डिराइव करके दिखा रहा हूं. अब देखिए बहुत ध्यान से. लेट अस सपोज इस डीआर एलिमेंट पे कितना शियर फोर्स लगेगा. शियर फोर्स इज नथिंग बट डीएफ. शियर फोर्स लगेगा कितना. शियर फोर्स जो इस पे लगेगा वो कितना लगेगा. ठीक है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया. तो कितना एरिया है. लेट अस सपोज डीए एरिया है इस एलिमेंट का. डीए एलिमेंट का एरिया है. व्हाट इज डीए एरिया. डीए एरिया कितना है. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस डीआर एलिमेंट. 2 into π into r. ये सर्कमफ्रेंस है. ठीक है, और कितना विड्थ है. विड्थ आपका डीआर विड्थ है. तो ये डीए एलिमेंट है. सो व्हाट इज दिस डीटी फोर्स, मतलब कितना टॉर्क आया इस पे. कितना टॉर्क आया इस पे. देखिए बहुत ध्यान से. अगर किसी एलिमेंट पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं और उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, आर डिस्टेंस होती है. सो टॉर्क कितना अप्लाई होता है, F into r, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स कितना आया, टाउ इंटू डीए. ठीक है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स कितना टॉर्क आएगा इस पे एलिमेंट पे. सो दिस डीटी इज इक्वल टू टाउ इंटू डीए इंटू आर. आएगा कि नहीं आएगा. टोटल टॉर्क कितना आएगा होल क्रॉस सेक्शन पे. टोटल टॉर्क ऑन होल क्रॉस सेक्शन. व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन होल क्रॉस सेक्शन. टी इज इक्वल टू विल इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेट इज टाउ इंटू आर इंटू डी ए. ये समझ में आया सबको. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस टी टॉर्क इंप्लाइज दिस टाउ. दिस टी टॉर्क की वजह से टाउ शियर स्ट्रेस आ रहा है आपके एलिमेंट पे. क्लियर हुई ये वाली बात. चलो बढ़िया. टाउ इंटू आर इंटू डी. अब देखिए टाउ की वैल्यू कितनी है, आर जी थीटा वाई एल है कि नहीं. तो टी इज इक्वल टू, अब देखिए बहुत ध्यान से, दिस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू आर इंटू डी ए. और टाउ की वैल्यू कितनी है. दिस इंटीग्रेशन ऑफ टाउ की वैल्यू यहां से ले लीजिए, जी इंटू आर इंटू थीटा अपॉन एल इंटू आर इंटू डी ए. ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो चीज कॉन्स्टेंट है उसे बाहर निकाल लेता हूं. जी इंटू थीटा बाई एल, ये आपने बाहर निकाल लिया. इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए. एंड दिस टर्म इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जे. इसे हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जे. बात समझ में आई आप लोगों को. अब देखो बहुत ध्यान से देखिए. लेट सपोज आई हैव अ एलिमेंट, ये मेरा डीए एलिमेंट है. इसका मोमेंट अगर मैं लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज आई एक्स एक्स एक्सिस, और ये वाई डिस्टेंस पर है. देखिए बहुत ध्यान से, ये वाई डिस्टेंस पर है. तो ये क्या बताएंगे, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डीए होता है कि नहीं होता है. यस और नो. अब इसी डीए एलिमेंट का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूं अबाउट वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, एक्स डिस्टेंस पर है. तो आई वाई वाई कितना हो जाएगा, आई वाई वाई नथिंग बट एक्स स्क्वायर डीए. यस और नो, होगा कि नहीं होगा. अब देखो बहुत ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज इन कोऑर्डिनेट ट्राइंगल, ठीक है, लेट अस सपोज ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है. तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. इज इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब देखो बहुत ध्यान से, एक मिनट रुक जाइए, फिर लिख लीजिएगा. देखो ये चीज हम एक बार पढ़ लेते हैं. देखो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है मेरे पास, ठीक है. देखो ये क्रॉस सेक्शन अगर है, जब मैं क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं,
ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट टॉर्क जब अप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना रजिस्ट कर रहा है, कितना रजिस्ट कर रहा है। देखो बेंडिंग जब होती है, अगर मैं इसे ऐसे बेंड करूं ऐसे, तो बेंडिंग जब ऐसे ऐसे हो रही है तो मतलब किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बीम ले लेते हैं, ठीक है, ये बीम है आपकी, इसके अबाउट बेंडिंग अगर हो रही है, इसके अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है, ऐसे बेंडिंग हो रही है, तो आप क्या लेते हैं बेंडिंग अबाउट ये एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है, बेंडिंग अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर बीम में ऐसे आपने लोड लगाया, देखिए बहुत ध्यान से, यही बीम है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है, बात समझ में आई, इस एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है, मतलब कैसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट हो रही है तो आप क्या लिखते हैं, आई वाई वाई लेते हैं, आई वाई वाई लेते हैं कि नहीं लेते, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग किसके अबाउट हो रही है, जेड एक्सिस के अबाउट हो रही है, जेड एक्सिस के अबाउट। सो जब भी जेड एक्सिस के अबाउट होती है, जेड एक्सिस, पोलर एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो हम क्या लेते हैं, जे ले लेते हैं, विल टेक जे, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट जे इज नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, एंड दिस इज आई जेड जेड भी लिखते हैं हम इसे, आई जेड जेड इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये बात समझ में आई है आप लोगों को, वाई वी हैव टेकन जे, वाई वी हैव टेकन आई जेड जेड, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हमने क्यों जेड एक्सिस के अबाउट बेंडिंग लिए, बिकॉज टॉर्जन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग हो रही है, और रेजिस्टेंस भी कैसे आएगा, अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज वाई वी हैव टेकन आई जे आई जेड जेड। सो इन टॉर्जन वी ऑलवेज यूज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन टॉर्जन वी ऑलवेज यूज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, फॉर अ सर्कल, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर अ सर्कल, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, ठीक है, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल में आई एक्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4 प्लस आई वाई वाई सेम पाई बाई 64 डी की पावर 4। सो आई जेड जेड इज इक्वल टू जे इज नथिंग बट पाई बाई 32 पाई बाई 32 डी की पावर 4। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सबको समझ में आया ये चीज, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस एक मिनट और रुक जाइए, फिर सारा लिख लीजिएगा। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, तो हमने क्या इक्वेशन बना ली, वी हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए, ठीक है, एंड आर स्क्वायर डी ए इज जे। ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट जे। तो ये हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इंटू जे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ठीक है, तो देखो एक तो मैंने ये टॉर्जनल इक्वेशन बना ली, टी बाई जे की एक वैल्यू ये मैंने बना ली, और अभी मैंने कुछ देर पहले टी बाई जे की टी, देखिए एक मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी, देखिए जी थीटा बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूं, जी थीटा बाई एल कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जी थीटा बाई एल कैन ऑल्सो बी रिटन एज टाउ बाई आर। तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, जी थीटा बाई एल कैन बी रिटन एज टाउ अपॉन आर, इट कैन बी रिटन एज टी बाई जे, टी बाई जे। तो ये इक्वेशन हो गई पूरी की पूरी। तो टॉर्जनल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्जनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, टॉर्जनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए बहुत ध्यान से, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए टी बाई जे इज इक्वल टू, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो आपसे ये इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में टी क्या है, इस इक्वेशन में टी क्या है, ये हम लिख देते हैं एक बार। इस इक्वेशन में टी जो है दैट इज इक्वल टू जितना टॉर्क आपने अप्लाई किया, जितना मोमेंट आपने अप्लाई किया है, टॉर्जन और टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड, ठीक है, और आपका जे क्या है, जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस एट अ रेडियस आर, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, चलो भाई
शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर, शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर, ठीक है। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट लेंथ एल, एट लेंथ एल। समझ में आ गई भाई ये इक्वेशन फटाफट? अब देखो ये फटाफट, थैंक यू सो मच भाई सुल्तान, नूर आलम, विशाल, बढ़िया यार। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को, ये इक्वेशन कैसे आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे ये इक्वेशन आई? अब देखो मैंने आपको बताया था ना, हमने एक एनिमेशन भी देखा था, ठीक है। अब एनिमेशन से और ज्यादा सिंप्लीफाई मैंने कर दिया आप लोगों को इक्वेशन, ये चलो बढ़िया। अब आप जो स्लाइड आपने नहीं लिखी है वो आप लिख लीजिए, तो ये वाली स्लाइड फटाफट लिख लीजिए आप लोग। डन एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ये लिख लीजिए, ये भी लिख लिया। चलो बहुत बढ़िया। चलो ये लिख लीजिए, डन। चलिए बढ़िया, ये लिख लीजिए।
लिख लिया सबने? चलिए बढ़िया, ये भी लिख लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आई होप लिख लिया होगा सब लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर स्ट्रेस ठीक है ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ शाफ्ट ठीक है। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस को। अब आपने ये तो देख लिया कि जब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क अप्लाई करूंगा ठीक है, अरे मार्कर कहाँ गया, जब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, ये देखिए जब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा ठीक है, सो इस पूरे शाफ्ट में कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उस पर शियर कैसे आएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शियर बाय अप्लाइंग द टॉर्क ऑन द क्रॉस सेक्शन ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो विशाल जो आपका डाउट है ना, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा जो सोम पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल ही डिफरेंट है ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ठीक है ना। आप देखो बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल आपका बढ़िया डाउट है कि आपके कोई एक बीम है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बीम है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं देखिए। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ये एक बीम है ठीक है, ये एक बीम है और इस बीम से क्या है, एक ये स्लैब अटैच्ड है, ये एक स्लैब अटैच्ड है ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, देखिए, अगर ये स्लैब अटैच्ड है तो स्लैब का सेल्फ वेट डाउनवर्ड होगा, स्लैब का सेल्फ वेट डाउनवर्ड की वजह से क्या आएगा, इस बीम में टॉर्क आएगा, सो कोई भी बीम अगर सब्जेक्टेड टू टॉर्क बेंडिंग मोमेंट शियर सबके साथ कंबाइंड होती है तो इसकी एनालिसिस हम लोग आरसीसी में देखेंगे ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं जब भी कभी किसी एक बीम में बेंडिंग मोमेंट भी आता है, टॉर्क भी आता है, शियर भी आता है, दैट इज द कंबाइंड टॉर्क शियर एंड बेंडिंग, तो हम उस केस में क्या करते हैं टॉर्क को हटा देते हैं, शियर की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करके डिजाइन कर देते हैं। सिंपल, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने डिजाइन को सिंप्लीफाइड करनी है चीजों को ठीक है। अगर आप टॉर्क भी लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क भी लेंगे, बेंडिंग भी लेंगे, शियर को लेंगे, तो होता क्या है, एक बीम में लिमिटेड स्पेस होती है ठीक है। अगर आप उसकी लेंथ विड्थ बढ़ाएंगे तो अननेसेसरी अनइकोनॉमिकल होगा, तो हम क्या करते हैं टू मेक आउट थिंग सिंपल, हम क्या करते हैं टॉर्जन को हटा देते हैं और टॉर्जन की वजह से हम ये मान के चलते हैं एडिशनल शियर आ गया, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आ गया। बट यस, हम क्या करेंगे, हम चीजों में जब भी कभी बेंडिंग मोमेंट और शियर आएगा हम दोनों को कंबाइन जरूर करेंगे, हम तीनों को कंबाइन नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं अगर टॉर्क एडिशनली आ रहा है तो हम शियर और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं किसी एक बीम में, किसी एक क्रॉस सेक्शन पे ठीक है। बट अगर किसी पॉइंट पे शियर और बेंडिंग मोमेंट दोनों आ रहा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम उसके कंबाइंड एप्लीकेशन को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपको आरसीसी की डिजाइन में बताऊंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है आरसीसी की डिजाइन के ऊपर ठीक है, इसके ऊपर एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में ईएससी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर एक ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब अपन आरसीसी की डिजाइन पढ़ेंगे ना देखना मैं कितनी बढ़िया तरीके से आपको ये चीज बताऊंगा।
चलो बढ़िया, अभी अभी इसे क्या कहते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बढ़िया, अच्छा इमेजिन किया है यार, बहुत अच्छा इमेजिन किया है आपने। अभी तो यार डिजाइन वाले सब्जेक्ट देखते जाओ आप, कितने बढ़िया करवा दूंगा मैं आपके। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा, बस मेरे साथ एक यही डिसएडवांटेज हो रहा है कि जॉब के साथ साथ मुझे एडिशनल ये जो टाइम देना पड़ रहा है ना, उसमें से टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है बस। बाकी यही एक डिसएडवांटेज है कि टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज हम जितना पढ़ते हैं बहुत ही इफेक्टिव पढ़ते हैं। और जब हम डिजाइन वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जो मेरे एकदम स्ट्रांग पॉइंट है, आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जब अपन पढ़ेंगे आप देखिएगा आपका इसका मजा ही कुछ और होगा। आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर का तो मजा ही कुछ और होगा, आप बस वेट करते जाओ। चलो ये देखते हैं। ठीक है, इवन दो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बट फिर भी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने जस्टिफाई किया है सोम को पढ़ाने में। अब तक मैंने जितना पढ़ाया, आई होप मैंने जस्टिफाई किया है सोम पढ़ाने में, ठीक है ना, कि ठीक ठीक मतलब कॉन्सेप्ट हो गए हैं अपने। ठीक है, चलो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं ये चीज। ये देखिए, दिस इज फिक्स्ड, ये शाफ्ट फिक्स्ड है, ठीक है, और आपने इसमें कैसा क्रॉस सेक्शन पे जो मोमेंट लगाया है, दिस मोमेंट लगाया है, ये मोमेंट लगाया है, ठीक है, ये मोमेंट लगाया है। तो आपको क्या चाहिए, कोई एक यूनिट एलिमेंट, यहां पर सरफेस पे कोई आपने एलिमेंट लिया, तो इस पे शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहे होंगे ये हमें देखना है, इस पे शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहे होंगे ये हमें देखना है। ठीक है, कैसे शेयर से दो लोग, हम क्या करेंगे, एक पहले फ्री बॉडी डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद आपको शॉर्टकट बता दूंगा। व्हाट इज दी फ्री बॉडी डायग्राम, देखो बहुत ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ठीक है, दिस फ्री बॉडी डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ठीक है ना, ये देखिए, दिस विल लुक लाइक दिस। देखिए बहुत ध्यान से, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे ऑफ इफ इन इफ ऑन दिस क्रॉस सेक्शन देयर इज अ क्लॉकवाइज कपल, देयर इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, सो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, ऑन दिस क्रॉस सेक्शन देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज, देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सो ऑन दिस क्रॉस सेक्शन देयर विल बी अ क्लॉकवाइज अगेन, ठीक है, अपवर्ड, यस और नो। ठीक है, सो अगर देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, अगर बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं, अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं, अगर एक एलिमेंट लेते हैं उस पे शियर फोर्स अपवर्ड है, उस पे शियर फोर्स अपवर्ड है, बाकी सारे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए, टू मेक इट दिस एलिमेंट इन इक्विलिब्रियम, अ डाउनवर्ड शियर फोर्स विल एक्ट, एंड दीज टू शियर फोर्स विल कैसा कपल बनाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल, टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम अ क्लॉकवाइज कपल विल फॉर्म, अ क्लॉकवाइज कपल विल फॉर्म, यस और नो, अ क्लॉकवाइज कपल विल फॉर्म। सो अगर शियर में एक डायरेक्शन भी पता है शियर की, तो आप बाकी तीनों निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यस और नो, एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री शियर, एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री शियर, कॉम्प्लीमेंटरी शियर। तो जैसे टॉर्क आपने अप्लाई किया, किसी भी आप छोटे से एलिमेंट पे शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो शॉर्टकट क्या है, व्हाट इज शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट क्या है, क्या शॉर्टकट है, ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, शॉर्टकट क्या है, अगर आपका कपल मोमेंट ऐसे है, ऐसे अपवर्ड है, अगर ऐसे ये अपवर्ड है, चलो इसको सही से बना देता हूं मैं, अगर ये अपवर्ड है, देखो अगर ये अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड है, तो एलिमेंट पे भी ये राइट हैंड साइड में ये अपवर्ड होगा, राइट हैंड साइड में अपवर्ड होगा, अगर एक बार आपने ये अपवर्ड निकाल लिया, तो बाकी सारे तो निकाल सकते हो, यस और नो।
तो ये शॉर्टकट है, ये आपने निकाल लिया टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम, ये डाउनवर्ड आएगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज कपल, यहां पर क्लॉकवाइज कपल भी आएगा, तो ये सारी शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन आ गई। इसका एक रिवर्स केस भी लेते हैं, ठीक है, रिवर्स केस क्या लेते हैं, दो मिनट दीजिएगा फिर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रिवर्स केस क्या है देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट इज द रिवर्स केस, ये फिक्स है, ठीक है। अब यहां पर जो मोमेंट आ रहा है कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो किसी एक यूनिट एलिमेंट पे, ये देखिए छोटा सा सरफेस पे आपने एलिमेंट लिया, ठीक है, इस एलिमेंट पे आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी, निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सिखा दिया, फ्री बॉडी डायग्राम आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, वरना इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए ये एलिमेंट मैंने लिया तो ये दिस विल डाउनवर्ड, मतलब ऐसे है ना ये, देखिए ऐसे है ना, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, तो यहां पर क्या होगा डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड है तो बाकी सारे निकाल सकते हैं, ये अपवर्ड, तो दिस दे आर फॉर्मिंग अ क्लॉकवाइज कपल, टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज कपल विल फॉर्म, हाउ विल एंटी क्लॉकवाइज कपल विल फॉर्म, दिस वे, समझ में आया आप लोगों को, यस, पॉइंट्स थंबड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर ये टॉर्क की जगह, ये टॉर्क की जगह अगर आपको ऐसे दे दे ऐसे, तो भी सेम पॉइंट है कि नहीं है, इफ इंस्टेड ऑफ दिस टॉर्क अगर आपको ये दे दे, दिस वन डबल एरो अगर आप दे दे, तो भी आप शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो टॉर्जन लीड्स टू प्योर शियर, अब आप ये देखो, दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, यस और नो, बिकॉज ऑफ द टॉर्जन, बिकॉज ऑफ द टॉर्क अप्लाइड, because of the torque applied, this element is subjected to pure shear. Pure shear. हो रहा है कि नहीं हो रहा है pure shear? Yes or no? This is subjected to pure shear. अब pure shear का Mohr circle बना सकते हैं क्या? This is tau. ये भी tau है, ये भी tau है, ये भी tau है. ये अगर pure shear है तो हम इसका Mohr circle बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप मुझे ये बताइए. यस, वी कैन ड्रॉ दी मोर सर्कल, ठीक है, मोर सर्कल क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, मोर सर्कल विल बी लाइक दिस, मोर सर्कल विल बी लाइक दिस, ठीक है, मोर सर्कल विल बी लाइक दिस, ये टाउ है एंड दिस इज ऑल्सो टाउ, तो सेंटर कहां पर है, जीरो जीरो पर है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू है सिग्मा, रेडियस की वैल्यू है सिग्मा, रेडियस की वैल्यू सिग्मा है, हाँ वेरी गुड, निकाल सकते हैं, याद है ना मोर सर्कल, मोर सर्कल फॉर प्योर शियर, मोर सर्कल फॉर प्योर शियर, समझ में आया, ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये लिख लीजिए फटाफट, ये लिख लीजिए, लिख लिया सबने, डन, चलो बढ़िया, ये लिख लीजिए,
ये भी लिख लिया। चलो एक नोट करके फॉर्म में लिखिए, एक नोट के फॉर्म में एक पॉइंट लिखिए। नोट के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। देखो अगर सॉलिड सेक्शन है, इफ आई हैव दी सॉलिड सेक्शन, दिस इज दी सॉलिड सेक्शन, ठीक है, दिस इज दी सॉलिड सेक्शन, ठीक है। सॉलिड सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ZP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सेक्शन। सॉलिड सेक्शन का क्या होता है? पाई बाई 32 डी की पावर 4, पाई बाई 32 डी की पावर 4, यस और नो, ठीक है। एंड इफ आई हैव दी हॉलो सेक्शन, लेट सपोज आई हैव दी हॉलो सेक्शन, ये सेक्शन है मेरे पास, दिस इज दी हॉलो सेक्शन, ठीक है। एंड दिस रेडियस इज, दिस रेडियस इज इंटरनल रेडियस डी आई, एंड दिस डायामीटर, डायामीटर इज आउटर डायामीटर डी नॉट, डी नॉट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सेक्शन इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सेक्शन, ठीक है। सॉरी जेड पी नहीं, ये जे होगा, जे जे सॉरी जे है ये जे 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 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सेक्शन, ठीक है। एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सेक्शन, इसको हम कैसे लिखते हैं? दैट इज नथिंग बट पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सेक्शन। अब देखो क्या चीज एग्जाम में आती है, ये चीज देखते हैं। देखो क्या चीज एग्जाम में आती है, ये चीज अपन देखते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज दिस इज द सॉलिड सेक्शन, दिस इज द सॉलिड सेक्शन, ठीक है, दिस इज द सॉलिड सेक्शन, ठीक है। अब देखो एज द रेडियस इंक्रीजेस, ये तो आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वैसे वैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ये देखो यहां पर शियर स्ट्रेस इतना, यहां पर शियर स्ट्रेस इतना, ठीक है। एज द रेडियस इंक्रीजेस द शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस अलोंग द रेडियस, शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, ठीक है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द रेडियस आर, दिस इज, हेयर इज द टाउ मैक्स, हेयर इज द टाउ मैक्स, ठीक है, हेयर इज द टाउ मैक्स। एंड दिस वेरिएशन इज लीनियर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्जन, दिस इज नथिंग बट लीनियर शियर स्ट्रेस, लीनियर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्जन, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को ये? देखिए टाउ इज इक्वल टू जी आर थीटा बाई एल, एंड टाउ बाई आर इज नथिंग बट जी थीटा बाई एल, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये जी भी कॉन्स्टेंट, थीटा बाई एल भी कॉन्स्टेंट, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये देखिए बहुत ध्यान से, अब देखो बहुत ध्यान से, दो मिनट आप पेन नीचे रखिए और सुनिए बहुत ध्यान से, दो मिनट पेन नीचे रखिए और सुनिए बहुत ध्यान से, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से, देखो बहुत ही गोल्डन वर्ड, गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, देखो बहुत ध्यान से। सर्कल कहां गया? ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, अब आपने इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, देखिए देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए देखो क्या मजेदार पॉइंट यहां पर निकल के आएगा, आप मजा आ जाएगा। देखो इस पॉइंट में देखो, मैं यहां पर अगर अपनी इंजीनियरिंग लगाऊं, मैं अपनी इंजीनियरिंग कैसे लगाऊं, लेट अस सपोज यहां पर देखो जितना रेडियस कम, मतलब मैक्सिमम रेडियस कहां पर, ये टाउ मैक्स है कि नहीं है, ये आर रेडियस पे, ठीक है। देखो यहां पर इस वाले एरिया को देखो, आप इस वाले एरिया को देखना, बहुत ध्यान से देखना इस वाले एरिया को,
इस वाले एरिया को अगर आप देखोगे, यहां पर क्या है, इस वाले एरिया में शियर स्ट्रेस बहुत कम है, शियर स्ट्रेस बहुत कम है, कम है कि नहीं है? और आउटर में क्या है, ज्यादा है शियर स्ट्रेस, आउटर में क्या है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है? आउटर में शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं एक काम करूं, सेंटर का एरिया हटा के आउटर में लगा दूं, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो और भी ज्यादा टॉर्क को रेजिस्ट कर लेगा, यस और नो? कर लेगा कि नहीं कर लेगा? भाई देखो ना, इस ब्लू वाले पॉइंट पे, इस ब्लू वाले पॉइंट पे क्या चीज है, हेयर द शियर स्ट्रेस इज लेस, हेयर शियर स्ट्रेस इज लेस, एंड एट वेयर द येलो वन इज देयर, हेयर शियर स्ट्रेस इज वेरी हाई, हेयर शियर स्ट्रेस इज वेरी हाई, शियर स्ट्रेस इज हाई। तो अगर मैं एक काम करूं, सेंटर का एरिया हटा के आउटर में लगा दूं, तो दैट पोर्शन विल परफॉर्म मोर बेटर देन द इन ट्विस्टिंग इन द टॉर्जन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां पर आपको एक नोट लिखाऊं, नोट क्या है, नोट है आपका इन टॉर्जन, इन टॉर्जन, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, जनरली जनरली हॉलो सेक्शन, जनरली हॉलो सेक्शन परफॉर्म परफॉर्म गुड, मोर सेटिस्फैक्ट्री देन सॉलिड सेक्शन, इन टॉर्जन, ठीक है, जनरली हॉलो सेक्शन परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री और बेटर देन द सॉलिड सेक्शन। ये समझ में आ गया सबको? लिख लिया सबने? रिटन एवरीवन? तो जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन एवरीवन? ये भी लिख लिया? चलो बढ़िया, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट देखते हैं। चलो बढ़िया, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट देखते हैं, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं, पोलर सेक्शन मॉडुलस का क्या मतलब होता है ये अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए, जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ द शाफ्ट, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ शाफ्ट, रेडियस ऑफ शाफ्ट, the ratio of polar moment of inertia to the radius of the shaft is known as polar section modulus, polar section modulus। इसका physical significance देखते हैं अभी हम, ठीक है, ठीक है ना, it is nothing but the section modulus, section modulus हमने क्या देखा था, z is equals to i by y max देखा था, i by y max। अब maximum radius कितना होगा, देखिए एक shaft में मैक्सिमम रेडियस कहां पर होगा, ये मैक्सिमम रेडियस इज कैपिटल आर, मैक्सिमम रेडियस कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? सो इसीलिए हमने क्या किया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द मैक्सिमम रेडियस, एंड द मैक्सिमम रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ जेड पी पोलर सेक्शन मॉडुलस, देखो देखते हैं, वी नो टी बाई जे इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये बिल्कुल एनालॉगस है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर, वेयर विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द कैपिटल आर, एट कैपिटल आर, एट कैपिटल आर the shear stress will be maximum, yes or no, the shear stress will be maximum, and we know
टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन टू जे अपॉन आर, एंड जे बाई आर इज नथिंग बट दी पोलर सेक्शन मॉडल्स. टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन टू जेड पी इन टू जेड पी. टाउ मैक्स इज इक्वल टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन टू जेड पी. टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी इन टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन टू जेड पी. टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स इन टू जेड पी. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है, इन टू जेड पी. दो मिनट रुकिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है. देखो क्या सिग्निफिकेंस है. लेट अस सपोज ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर बार है, ठीक है, ये एक सर्कुलर बार है, ठीक है. मैंने इसमें क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है. तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इन टू ए. मैक्सिमम कितना फोर्स ले सकता है ये क्रॉस सेक्शन, सिग्मा मैक्स इन टू ए ले सकता है कि नहीं ले सकता है, यस और नो, ठीक है. अब देखो मेरे पास एक बीम है, ठीक है, एक बीम है और इस पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है. ये बीम कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ले सकता है, ठीक है, m इज नथिंग बट सिग्मा मैक्स इंटू जेड. सिग्मा मैक्स इंटू जेड ले सकता है, नहीं ले सकता है. अब मेरे पास क्या है, एक शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट है. ये मैक्सिमम कितना टॉर्क ले सकता है, टी इज नथिंग बट टाउ मैक्स इंटू जेड पी. टाउ मैक्स इंटू जेड पी. तो इसको देखो बहुत ध्यान से, अगर आप देखो बहुत ध्यान से देखिए, सिग्मा मैक्स फॉर अ मटेरियल, सिग्मा मैक्स इज कॉन्स्टेंट. मतलब देखो किसी एक मटेरियल का मैक्सिमम लो स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी कॉन्स्टेंट होता है. अगर आप उसके आगे स्ट्रेस करते हो, मटीरियल विल फेल, ठीक है. तो सिग्मा मैक्स फॉर अ मटीरियल इज कॉन्स्टेंट. मैक्सिमम जो स्ट्रेस ले सकता है एक मटीरियल वो कॉन्स्टेंट होता है. इसका क्या मतलब हो गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. मतलब एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिपेंडेंट ऑन दी एरिया. यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया. एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. मतलब मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस. मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस. यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ठीक है, डिपेंड्स ऑन सेक्शन मॉडुलस. एंड टी टॉर्क टेकिंग एबिलिटी इज इक्वल टू क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पी. टॉर्क टेकिंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर सेक्शन मॉडुलस. ठीक है, टॉर्क टेकिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोलर सेक्शन मॉडुलस. मतलब क्या हो गया, जिस शाफ्ट का जेड पी ज्यादा, उसमें क्या आ सकता है, टॉर्क ज्यादा आ सकता है कि नहीं आ सकता. इट कैन रेजिस्ट मोर टॉर्क. और बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इट कैन रेजिस्ट मोर टॉर्क. सो दिस शाफ्ट विच हैव मोर सेक्शन मॉडुलस, और द एलिमेंट विच हैव मोर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, दैट मटीरियल कैन रेजिस्ट, दैट मेंबर कैन रेजिस्ट मोर टॉर्क. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये बात समझ में आया. दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस. This is the physical significance of polar section modulus. Understood everyone? चलो तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यार सारी चीजें, ठीक है. सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं. तो टुमारो विल बी आवर लास्ट क्लास ऑफ टॉर्जन, ठीक है. आज फिनिश नहीं हो पाया है, टुमारो विल फिनिश द टॉर्जन. सो टुमारो विल फिनिश द टॉर्जन एज वेल एज, ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सो डेफिनेटली डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टूडेज क्लास, और कल हम फिर मिलेंगे, विल टुमारो विल फिनिश दी टॉर्जन, कल हमारा टॉर्जन पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरी वन, और डिनर कर लीजिए, गुड नाइट एवरी वन, थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहिएगा, थैंक यू सो मच यार।